जी, हमने जो है स्टार्ट किया था अपने वर्ड से सेंटेंसेस, तो इस लिहाज से अब जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है वो सेंटेंसेस का स्टार्ट हो रहा है, और सेंटेंसेस का जो पोर्शन है इसको हम स्टार्ट अपने पिछले जो वर्ड है उनके साथ लिंक करते हुए करेंगे। हमने सीखा कि टोटल जो वर्ड है वो 8 हैं, उनके हमने 3 ग्रुप बनाए। फर्स्ट ग्रुप को हमने नाउन, पर नाउन और एडजेक्टिव का नाम दिया। सेकंड ग्रुप को हमने वर्ब और एडवर्ब का नाम दिया, और थर्ड ग्रुप को हमने हरूफ का नाम दिया, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। ये तीनों जो ग्रुप्स हैं टोटली 8 वर्ड हैं। इन 8 वर्ड्स का हमने पर्पस अब क्या जो है वो यहाँ पर प्रूव करना है कि इन वर्ड्स ने हमारे सेंटेंसेस बनाने हैं। मीन्स आप ये ऐसे एग्जाम्पल ले लें कि जैसे कोई एक मैकेनिज़म होता है, कोई एक मशीन होती है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स को हम क्या करते हैं कि अलग अलग उन पार्ट्स को अगर रख दें तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। हाँ, ये है कि अलग अलग उन पार्ट्स को हम समझ सकते हैं कि भाई ये पार्ट इसका क्या फंक्शन है, लेकिन कहाँ? अपने मैकेनिज्म में, जब वो अरेंज होगा एक मशीन बनेगी तब ये पार्ट क्या है, इसकी वैल्यू क्या, इसकी क्वालिटीज़ क्या, इसने कैसे यूज़ होना है, इसका वर्क क्या। इस तरीके से हम हर पार्ट को समझ सकते हैं। सेम लाइक जो हमने पहले 8 वर्ड समझे हैं उनका भी यही पर्पस था कि हमने अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग जैसे किसी मशीन के पुर्जों को समझ लिया। अब क्या होना है कि उन पार्ट्स को, उनको पुर्जों को अरेंज करके एक मैकेनिज्म, एक मशीन जैसे तैयार करते हैं, ऐसे ही होना है। तो यही 8 वर्ड जो हैं उन्होंने अरेंज होकर क्या बनना है, सेंटेंसेस बनना है। और इंग्लिश लैंग्वेज में इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं कि स्पीच जिन गुफ्तगू करने के जो पार्ट्स हैं, वो 8 पार्ट हमने अलग लिखे, ड्रा किए, उनको समझा। अब उनको क्या करना है, अरेंज करना है, उनको चेन में, मतलब जो है वो एक अरेंजमेंट के साथ लिख के हमने सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले आप देखिए कि हमारे जो वर्ड थे टोटल 8, इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड था वो जो था वो वर्ब था। अब वर्ब जो है इसको हमने 8 वर्ड में जो समझने की कोशिश की वो यही समझा कि कोई एक्शन, कोई होने वाला काम क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जो 8 वर्ड थे उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट वर्ड या सबसे ज़्यादा अहम वर्ड जिसको आगे सेंटेंसेस बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब समझना पड़ता है, जो उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो वर्ब है। इसलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके हम जो है वो अपने सेंटेंसेस की फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे। वर्ब बेसिकली क्या है, होने वाला कोई भी एक्शन या फिर स्टेट, एनी एक्शन और स्टेट। ऑफ नाउन कॉल्ड वर्ब, हमने क्या लिखा कि एनी एक्शन और स्टेट ऑफ अ नाउन कॉल्ड वर्ब। एक्शन का मतलब क्या हुआ, कोई होने वाला काम, उर्दू में आप फेल भी कह सकते। और स्टेट का मतलब क्या हुआ, किसी होने वाले काम की कोई हालत, उसको हम यहाँ पर सिचुएशन भी कह सकते हैं या उसकी जो कंडीशन है वो भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो एक्शन है या स्टेट है ये किसकी है, नाउन की। जो हमने फर्स्ट स्टार्ट में नाउन को समझा कि नाउन क्या है, वो बेसिकली एवरीथिंग इन द वर्ल्ड है, दुनिया की हर चीज़ नाउन है, और नाउन की परफॉर्मेंस क्या है, वर्ब है। यहाँ पर आप जब वर्ब को डिफाइन किया ये पता चला कि एक्शन और स्टेट ऑफ अ नाउन कॉल्ड वर्ब, किसी नाउन ने कोई एक्शन परफॉर्म किया या उस नाउन की कोई स्टेट, कोई हालत बयान हो रही है, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर हम जो है वो लिखते हैं, पहले एक्शन की फिर स्टेट की, तो बेहतर तरीके से हमें वर्ब की जो है वो समझ आएगी। सबसे पहले आप देखिए, अगर यहां पर हम लिखते हैं ही प्लक्स द फ्लावर, अब ये जो एग्जांपल है इसके अंदर आप गौर करें कि इसमें ही जो है ये नाउन और नाउन की जगह यूज़ होने वाला इशारा है, जिसको हमने प्रोनाउन का नाम दिया, जो एक मेल को इंडिकेट कर रहा है। अब ही प्लक्स, प्लक का मतलब तोड़ना है, तो प्लक क्या है, ये होने वाला काम है, परफॉर्मेंस किसकी है, ही की है। अब प्लक काम है, काम को हमने क्या नाम दिया, वर्ब, और वर्ब में हमने देखा एक्शन या फिर स्टेट। अब आप गौर करें कि यहाँ पर प्लक जो है ये एक्शन है या स्टेट है,
यहाँ पर इसके अंदर काम एक होता नज़र आ रहा है, तो ऐसा काम जो परफॉर्म होता नज़र आए उसको हम हमेशा एक्शन कहते हैं, और ऐसा काम जो होता नज़र ना आए लेकिन हो तो उसको हम स्टेट कहते हैं, किसी काम की सिचुएशन, किसी काम की हालत। इसलिए ये जो सेंटेंस है ये ज़ाहरी तौर पर एक्सप्लेन कर रहा है एक्शन को, एनी एक्शन ऑफ अ नाउन कॉल्ड वर्ब हमने लिखा, तो इसलिए ये क्या है, एक्शन है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हम स्टेट की लिखेंगे। ही इज अ गुड मैन, ये जो सेंटेंस है ये एग्जांपल किसकी है, स्टेट की। कैसे, ही जो है ये मेल को इंडिकेट कर रहा है, इज है अ गुड मैन, एक अच्छा इंसान। इसमें ही जो है वो कोई परफॉर्मेंस आपने नहीं शो करा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि ही के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, ही की स्टेट पता चल रही है कि वो क्या है, एक अच्छी नेचर का इंसान है, एक अच्छा इंसान है। तो यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए ये एग्जांपल किसकी है, स्टेट की है। अब हमें ये पता चला कि जो वर्ब है वो बेसिकली आपने दो अंदाज रखता है कि वर्ब में एक्शन बयान भी हो सकता है या फिर कोई स्टेट बयान हो सकती है। अब थोड़ा सा हम वर्ब की जो काइंड्स हैं उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वर्ब जो है इसमें दो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले मेन वर्ब और उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो है वो किसी भी नाउन की परफॉर्मेंस को, किसी भी नाउन के एक्शन को बयान करता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसी भी नाउन की स्टेट को बयान करता है, उसकी हालत को बयान करता है। अब यहाँ पर मेन वर्ब की कोई एक एग्जांपल, कोई एक जो रूल है वो मैं लिख देता हूँ जिससे आइडिया हो जाएगा, अदरवाइज मेन वर्ब बहुत ज़्यादा हैं, उनकी फॉर्म्स बाकायदा बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गो जो है, गो एक मेन वर्ब है जाना, आप उससे सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड गोन, फिर आप आईएनजी के साथ गोइंग। इसी तरह ईट खाना है तो सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म जो ईटन है फिर ईटिंग। इस तरह जो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं और वो मुख्तलिफ एक्शंस दुनिया में होने वाले काम जो है उनको बयान करता है। यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल मैं लेके उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हेल्पिंग वर्ब जो है उनको यहाँ पर अलग एक्सप्लेन करूँगा। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा ब्रेक, ये फर्स्ट फॉर्म लिखी, सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन, और नेक्स्ट जो फॉर्म है वो आईएनजी के साथ ब्रेकिंग। अब यहाँ पर देखिए ये मेन वर्ब की सिर्फ एक एग्जांपल है, देर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स अबाउट मेन वर्ब। इसमें फर्स्ट जो है वो फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड और फर्स्ट के साथ प्लस आई एन जी, ये चारों जो हैं ये काम के अंदाज हैं और मेन वर्ब इसमें एक्शन कोई ना कोई शो हो रहा है। अब इसी तरह हेल्पिंग वर्ब जो है उनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रिलेशन जो है इनको समझने के बाद हम जो है प्रॉपर अपने टेंसेस जो हैं उनको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है इनमें बी इज एम आर वाज वर बीन बीइंग हैज हैव हैड, ये हेल्पिंग वर्ब लिखे, एक ग्रुप मैंने बनाया, अब सेकंड ग्रुप बनाता हूँ, डू डज डिड विल would, shall, should, must, can, could, may, might, let, do। हेल्पिंग वर्ब को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, इसकी भी कोई रीज़न है। अब हेल्पिंग वर्ब जो है
उनका बेसिकली जो पर्पज़ है वो क्या है, वो अपने नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। हमेशा किसी भी वर्ड के मीनिंग को समझना हो तो उसकी बेसिक जो कंसेप्ट है उसको समझना चाहिए कि उस वर्ड के बाद का मीनिंग खुद ब खुद समझ में आ जाते हैं कि इसको हमने नाम दिया मेन वर्ब का, इसको नाम दिया हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में क्या परफॉर्म होगा, एक्शन। हेल्पिंग वर्ब में क्या बयान होगी, स्टेट। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, हेल्प करना, सपोर्ट करना। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब। तो इस तरह हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करता है जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर सेंटेंस हमारा ऐसा हो जिसमें टोटली जो है वो मेन वर्ब यूज़ हो, हेल्पिंग वर्ब ना यूज़ हो, तो जाहिर है उसमें क्या बयान हो रहा होगा, एक्शन बयान हो रहा होगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब अकेला आ जाए, मेन वर्ब ना आए, उसमें क्या बयान हो रही, स्टेट बयान हो रही। और अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है, वहाँ पर मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। अब तीनों एग्जांपल्स हम यहाँ पर लिखते हैं जिससे हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपस में रिलेशन क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की है, सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब की देंगे, और थर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के आपस में रिलेशंस को, सपोर्ट को देखेंगे। फर्स्ट जो सेंटेंस है इसमें हमने लिखा ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। अब आप गौर करें कि रन जो है, रन रैन रन रनिंग, ये क्या है, मेन वर्ब है जिसकी फॉर्म्स बन रही है। और रन में क्या बयान हो रहा है, एक्शन बयान हो रहा है, नाउन का एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। इसमें मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ। अब सेकंड जो एग्जांपल है, अगर आप लिखते हैं ही इज़ अ नाइस मैन, इस सेंटेंस में आप गौर करें कि इसमें ही इज़ अ नाइस मैन, वो एक अच्छा इंसान है, तो इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ हो रहा है, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो इस ग्रुप फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें मेन वर्ब यूज़ नहीं हुआ, ओनली हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ। और इसमें क्या बयान हो रही है, स्टेट बयान हो रही है। फर्स्ट जो है वो एक्शन की एग्जाम्पल है, सेकेंड स्टेट की एग्जाम्पल। अब थर्ड जो है उसमें हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को दोनों को यूज़ करेंगे। ही इज़ गोइंग टू ऑफिस, इस सेंटेंस पर अगर गौर करें कि इसमें क्या बयान हो रहा है कि वो ऑफिस, वो अपने दफ्तर जा रहा है। लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर गौर करें कि इसमें सबसे पहले इज़ जो हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट ग्रुप में, उसके बाद गोइंग, जो गो से आई एन जी साथ लगा तो ये मेन वर्ब है, और आगे जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या बयान हुआ, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है, ये मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। इससे ये पता चला कि हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, मेन वर्ब की हेल्प करता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब अकेले यूज़ हो जाए तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बयान होता है, नाउन का, नाउन की स्टेट बयान हो रही है। और अगर मेन वर्ब यूज़ हो जाए तो जाहिर है वो तो ऑब्वियसली एक्शन ही बयान हो रहा होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने तीनों की जो है वो समझ ली है, जिससे पता चला कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का आपस में क्लोज रिलेशन है। और इस तरह हमारे जो टेंसेज हैं वो आगे जो उनकी जो फॉर्मेशन, उनकी जो बनावट है, वो इन दोनों की सपोर्ट से ही बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। अब हम ज़रा फॉर्म ऑफ वर्ब पर गौर करें कि हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है और आईएनजी है, इनका क्या पर्पज़ है। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसका यूज़ हमेशा हम जो है वो प्रेजेंट में करते हैं, कोई काम मौजूदा वक्त यानी मौजूदा ज़माने में होता है तो उसके लिए हम फर्स्ट फॉर्म का ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर समटाइम हम फ्यूचर में यूज़ कर लेते हैं। कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब को हम पास्ट में यूज़ नहीं करते। इसी तरह जो यानी प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, हमेशा हमेशा हम पास्ट में ही करेंगे। इसको कभी नहीं हो सकता कि हम प्रेजेंट में यूज़ कर लें या फ्यूचर में कर लें। अच्छा, उसके बाद देखिए थर्ड फॉर्म, ब्रोकन, ईटन, गॉन, कोक्ड, जो भी हो, जो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई एक्शन कंप्लीट हो रहा होता है, कोई ना कोई काम
की कंप्लीशन हो रही होती है वो मुकम्मल हो रहा होता है। इसमें कोई भी एक्शन जो है वो परफेक्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लास्ट वाली जो है आईएनजी के साथ हम शो करते हैं, ब्रेकिंग है, ईटिंग है, गोइंग है, रनिंग है, लिविंग है, तो ये आईएनजी वाली फॉर्म है जो है वो हमेशा कॉन्टिन्यू उसको शो करती। किसी काम को जारी होता हुआ शो करना हो तो हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे? आईएनजी वाली, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और किसी काम की कंप्लीशन यानी उसको मुकम्मल होता नज़र आना हो कि काम मुकम्मल हो चुका है तो हम क्या यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट में या फ्यूचर में यूज़ करते हैं, हम पास्ट में कभी यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि सेंटेंसेस का आगाज़ यानी टेंसेस का आगाज़ प्रॉपर करने से पहले हमने वर्ब को समझा के वर्ब जो है ये मेजर वर्ड है इंग्लिश का, उन एट वर्ड में ये फंक्शनल यूनिट है, तो इसका फंक्शन कैसे ये परफॉर्म करता है उसको थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उसे पता चला कि वर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन का नाम नहीं है, वर्ब इज़ ऑल्सो स्टेट। वर्ब में कोई ना कोई हालत भी बयान हो सकती है किसी ने उनकी, एनी हो, एक्शन और स्टेट कोई भी चीज़ हो तो क्या है? वर्ब है। और उसके बाद हमने देखा कि वर्ब जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो है हमेशा एक्शन को शो करेगा और हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टेट को शो करेगी, लेकिन सम टाइम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इकट्ठे भी यूज़ हो जाते हैं, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। तो हमने ये देखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब की सपोर्ट कैसे करें, कहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के साथ यूज़ करें, इसको हम प्रॉपर तरीके से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे।